मानव जनाब इज़्ज़त मुआब पास्टर सुल्तान साहब इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आसमानी बाप काबिल मुतलक रहीम खुदावन, बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदावन, तू जो कल आज अब तक यकसा है, तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं जिसकी हम तारीफ करें, जिसका नाम लें और जिससे हम दुआ करें। और खुदावंद हम ईमान और यकीन रखते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक आज हमारे दरमियान मौजूद है, और खुदावंद तेरे कलाम को और ज़्यादा सीखने गहराई से समझने के लिए खुदावंद जिन भी आज स्टूडेंट्स ने हिब्रू ग्रीक लैंग्वेज को सीखा है, तेरे खादम रेवरेंड प्रोफेसर टोनी विलियम से, और खुदावंद उन्होंने और ज़्यादा इसको सीखा है, ऐ खुदावंद तो उन तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी बरकत दे। और इसी तरह खुदावंद हम ग्रीक के उन प्रोफेसर साहब के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने खुदावंद रेवरेंड ज़करिया उन्होंने यूनानी ज़ुबान हमें सिखाई, खुदावंद उनकी भी सारी खिदमत को बड़ी बरकत देना। और आज की सारी सेरेमनी को हम खुदा बाप खुदा बेटे और रूह अल-क़ुद्स के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। यह वक्त है कि हम खुदावन की प्रस्तुति करें। पास्टर सागर अकील के साथ हम मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दें। अपनी हजूरी से काम आज करें, अपनी हजूरी से काम आज करें, हाथ दुआ में उठे हर पल दुआए नज़र, दुनिया का है तू ना, दुनिया का तू है ना, तू मुझसे नहीं है दूर, तू मुझसे नहीं है दूर। शाफ़ी मेरा वही मुनव्वर।
शुक्रिया जी। तो ये अपने सिरों को हम खुदावंद के हजूर में झुकाएं और खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे। मिस फ्रीडा कैरी इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपना कलाम हमें बख्श दिया है, जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। आए खुदा, हम तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हमें सीखने वाली दिल भी अता किया है। हम दुआ करते हैं कि सचमुच जब तेरा कलाम खोला जाए, हम इसको समझें, अपने जहन से, अपने दिल से, अपने दिल में रखें, अपने दिमाग से सोचें और हम इस पर भी अमल करें। आए खुदा, अपने बंदे को तौफीक दे ताकि वो रूह कुदस से मामूर होकर तेरा कलाम को खोलें, ताकि ये सब के लिए बरकत का बायस, तरक्की का बायस हो। बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की आवाज़ को सुनने के लिए मैं मोहतरम जनाब इज़्ज़त मुआब डॉक्टर मजीद अहमद साहब को दावत दूंगा, जो कि इस चर्च यानी के जो नलखा चर्च है, इनके सीनियर पास्टर हैं। इसके अलावा ये पूरी दुनिया में खुदावन के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। ये सबका मॉडरेटर हैं प्रेसपेरियन के, और अभी ये जो है जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेसपेरियन चर्च के। आप सबकी भरपूर तारीफों में। सो गुड इवनिंग एवरीवन। पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, प्रेसपेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के बड़े सरगर्म पास्टर भी हैं, और आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि वो जो अंतरक मेहनत करते हैं, और ख़ास तौर पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने बाइबली ज़ुबानें पढ़ाने का जो अहतमाम किया है और अरेंजमेंट्स करवाए और उसको कामयाबी से चला रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सिताइश के लायक है। कंग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। मैं शुरू में चंद एक ख्यालात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। गिनती की किताब में पहली आयत में लिख रहा है, बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बयाबान में खुदावन ने खैमा इज्तमा में मूसा से कहा या मूसा से कलाम किया। खुदावन के पाक कलाम की तलावत हम सबके लिए बरकत का बायस हो। बाइबल मुकद्दस में तीन जगह हमें मिलती हैं, प्लेसेस टू बी, जहां हम हो सकते हैं या होना चाहते हैं। पहली जगह है मिस्राइम या इजिप्ट, नैरो प्लेस, मुसीबत की जगह, वो जगह जहां पे हम ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहते, जिसमें से हम निकल जाना चाहते हैं, दौड़ जाना चाहते हैं। और दूसरी जगह, ये जो जगह है मिस्राइम, इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम किसी कमरे में बंद हैं और वो कमरा तंग से तंग हमारे गेट होता जाता है। दूसरी जगह जो हमें बाइबल में मिलती है, ये है वो जगह जिसको हम दूध और शहद की नदियां जहां बहती हैं, दिस इज दैट प्लेस। ये वो जगह है जिसकी हमें तलाश रहती है, ये वो जगह है जिसके बारे में लफ्ज फ्लोज लिखा है, जो बहती है, जिसकी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, जिसमें कोई बंदिशें, कोई कैद नहीं है, मुकम्मल तौर पर लिबरेटेड प्लेस, जहाँ पे हम हर तरह के गुनाह की गुलामी से, उसके असरात से आज़ाद और रिहा हों। जो उस दरिया की हमें याद दिलाता है जो बाग़ अदन में बहता था।
एंड दिस इज द एंड ऑफ द रेनबो. उसके आगे हम कोई और ब्लेसिंग या बरकत या खुशी की जगह का तसव्वुर नहीं कर सकते. इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन ये वो जगह है जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं. इन दोनों जगहों के बीच में एक जगह है, मिदबार. ये दो इंतहाएं हैं, मिस्राइम और दूध और शहद की जगह, और उसके बीच में मिदबार, बयाबान, विल्डरनेस, द प्लेस ऑफ ट्रांजिशन, जहां पे हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं. द प्लेस ऑफ नाइदर हियर नॉर देयर, ये वो जगह है जहां पे हम ना इधर है ना उधर है, दरमियान में कहीं पे है. वो जगह जहां हम अपनी ज्यादातर जिंदगी गुजारते हैं, ये वो जगह है जिसमें दाखिल होने से हम डरते हैं. लेकिन मिस्र से या मिस्राइम से शहद की जगह में दाखिल होने के लिए यहां से गुजरना जरूरी है. मिदबार इज अ प्लेस ऑफ नथिंग, खाली है ये जगह, यहां कोई गारंटी नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं. स्केरी प्लेस, जहां दहशत छाई है, जिसे हम डरते हैं, जो हमें घेरे रखती है. ये भटकने की जगह है, वेयर वी वॉन्डर. बाज़ औक़ात लगता है कि इसका कोई आखिर कोई अंजाम नहीं है, बट एट द सेम टाइम विल्डरनेस या बयाबान जो है, इट्स ऑल्सो ए प्लेस ऑफ डिस्कवरी. ये वो जगह है जहां पे हमें अपना आप दरियाफ्त करने का मौका मिलता है, जहां पे हमें वो बातें पता चल सकती हैं जो और किसी तरीके से पता नहीं चल सकती. जो लफ्ज मिदबार मैंने बोला, या बयाबान, जो इब्रानी का लफ्ज मिदबार है, इसकी रूट जो है, आपने जो इब्रानी पढ़े हैं, आपको पता है कि जो तीन लेटर का जो हर लफ्ज का जो रूट होता है, उसका सेम रूट है दबार या खुदा का कलाम. मिदबार बयाबान और दबार खुदा का कलाम. मिदबार वो जगह है जहां खुदा कलाम करता है. यहां पे हमने पढ़ा कि बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बयाबान में, मिदबार में, बयाबान में खुदावन ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कलाम किया. सो बयाबान वो जगह है जहां हम खुदा से मिलते हैं. बयाबान वो जगह है जहां हम खुद का सामना करते हैं. ये ग्रोथ की जगह है जहां हमारी नशोनुमा होती है. ये वो जगह है जो मुल्क मौदा से पहले आती है, जिसमें से गुजर कर हम मुल्क मौदा पहुंचते हैं. ये मुकद्दस जमीन है. अगर हम रबियों की तफासीर पढ़ें तो वहां आपको ये पैगाम मिलेगा कि अगर आप कुछ नए की तवक्को करते हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ किसी चीज का हुसूल चाहते हैं, तो पहले आपको एक बयाबान की तरह, मिदबार की तरह खुद को खाली करना पड़ेगा, खुद को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा. अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, तो पहले आपको बयाबान की तरह अपने बाजुओं को, अपने दिल को उसके लिए खोलने की जरूरत है. अपने ईगो को इरेस करने की, मिटाने की जरूरत है. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से, बिगिनिंग से, आगाज से हम अपनी जो सफर है वो करते हैं. मिदबार इज ए मेटाफर फॉर रीबर्थ, हमारी नई पैदाइश जो है उसका ये इस्तियारा है. मिदबार खुदावंद के कलाम के लिए ओपन
वेसल बनने के लिए पहला कदम है। हम खुदा के कलाम के लिए खुद को खाली करें। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी खिदमत शुरू करने से पहले 40 दिन बयाबान में गुजारे, वो वक्त जिसके बारे में खुदा का कलाम हमें इस तरह से कहता है कि बी साइलेंट एंड नो दैट आई एम गॉड, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूं। ये खामोशी है जिसमें हमें खुदा मिलेगा, ये बयाबान है जहां पर हम खुदा को ढूंढ सकते हैं। हम कलाम में पढ़ते हैं कि एक स्टिल स्मॉल वॉइस थी, एक छोटी एक हल्की आवाज थी जिसमें खुदा था, ना वो जलजले में था ना वो गरज में था। He was in a still small voice. क्या मतलब है? हम खुदा को जान नहीं सकते, हम खुदा की आवाज सुन नहीं सकते जब तक हम बयाबान की तरह की खामोशी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस ना करें। हमने बहुत से शोर अपने अंदर घुसा लिए हुए हैं जिन्होंने हमें बड़ा मसरूफ कर दिया है, जिनकी वजह से हम खुदा की आवाज सुन नहीं पाते हैं। हम बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इबादतें अटेंड करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, बड़ी खिदमत में भाग दौड़ करते हैं, लेकिन खुदा के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। बी स्टिल, रुक जाओ, खामोश हो जाओ और जान लो, दिस इज हाउ यू विल नो गॉड। मिदबार बयाबान वो जगह है जहां पे खुदा हमारे साथ कलाम करता है। मुझे एक कहानी याद आती है, एक ग्रैंडफादर, एक दादाजी थे, उनकी घड़ी कहीं पत्तों में गिर गई काम करते करते। तो उन्होंने अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको कहा कि जो भी मेरी घड़ी ढूंढ के लाएगा मैं उसे 100 रुपया इनाम दूंगा। तो बच्चे ढूंढते रहे बड़ी देर तक, उनको घड़ी नहीं मिली। जब सब बच्चे चले गए तो एक बच्चा उधर रहा और थोड़ी देर के बाद वो भागता भागता अपने दादा के पास आया। उसने कहा कि मैंने आपकी घड़ी ढूंढ ली है। तो दादा ने पूछा कैसे ढूंढी है? तो उसने कहा कि मैं जमीन पर लेट गया, मुकम्मल तौर पर मैं खामोश हो गया और मैंने अपने कान जमीन के साथ लगा दिए और फिर मुझे उस घड़ी के चलने की आवाज सुनाई दी और इस तरह मैंने इस घड़ी को ढूंढ लिया। बी स्टिल, बहुत ज्यादा भाग दौड़ यकीन दहानी नहीं है कि हम खुदा को पालेंगे। खुदा से आगे भागना भी खतरनाक होता है। कभी कभी हमें रुकना है, अपना जायजा लेना है, अपने आप को देखना है कि एक विल्डरनेस की तरह, और उसमें खुदा हमें मिलेगा। मैं इस चीज को बहुत बड़ी ट्रेजेडी समझता हूं एज ए पास्टर पादी साहब एंड डॉक्टर कमर फरोज कि हम मसीही बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ये जो मिदबार वी आर कन्फ्रंटेड विद गॉड्स वर्ड इन द विल्डरनेस, अगर वो खुदा का कलाम जो है उससे हमारी मुलाकात नहीं होती है तो हम खुदा को नहीं जान सकते। ये जो बाइबली जुबानें प्रोफेसर टोनी विलियम आप पढ़ाते हैं, डॉक्टर सलीम यूनस आप पढ़ाते हैं, मेरा प्यारा भाई आमिर यूनस और मिस फ्रीदा कैरी खुदावों की जो खिदमत करते हैं, ये बड़ी आला खिदमत है, बड़ी डेस्परेट नीड है कलीसिया की, चर्च की। हमें पता चले कि कितनी बड़ी बरकत, कितना बड़ा खजाना खुदा ने अपने इस कलाम की शक्ल में हमें दिया है। क्यों हम खुदा के कलाम का मुताला नहीं करते? कितने चर्चेज आज मौजूद हैं जिनमें
बाइबल स्टडी की आदत अभी बाकी है। हम सरमन सुनते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन वो जो बाइबल स्टडीज हुआ करती थी अब कम हो गई। आप कितनी मेहनत कर लें, कितना ज़्यादा लोगों को मौका दें कि आप आएं बाइबल स्टडी में कलाम का मुताला करने के लिए, लोग नहीं आते हैं। आप कभी लोगों से पूछें कि कोई कलाम का सवाल है पूछें, वो चुप बैठे रहेंगे जैसे उन्हें सब पता है। लेकिन सवाल ना होने का मतलब दरअसल ये है कि इनको कुछ भी पता नहीं है। कलाम की जो भूख और तड़प इनके अंदर होना चाहिए है वो नहीं है। एक खानदान कोई 1200 किलोमीटर का सफर तय करके एक कॉन्फ्रेंस पे पहुंचे, तो वहां पहुंच कर जो फादर था उसने स्पीकर से कहा, जनाब हम 1200 मील सफर करके आए हैं जस्ट टू बी अंडर द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि हम अपने आप को खुदा के कलाम के नीचे ला सकें। तो स्पीकर ने सोचा ये जो 1200 मील सफर करके आए हैं कलाम के नीचे अपने आप को लाने के लिए, अगर इनके घर में कलाम को 10 कदम दूर पड़ा हो तो क्या ये वो 10 कदम का सफर तय करेंगे ताकि कलाम को लाएं और पढ़ें। दिस इज बिग ट्रेजेडी जो इस वक्त के चर्च का आलमिया है। हम चर्च कैसे हो सकते हैं, हम मसीही कैसे बन सकते हैं अगर हम कलाम नहीं पढ़ते, अगर हमें कलाम की समझ नहीं है, अगर खुदा का कलाम हमारी रोज की गजा नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं और उसके मानी को नहीं जानते तो हम किस तरह से अच्छे मसीही हो सकते हैं। अगर कोई शख्स कहे कि मैं मसीही हूं और हर रोज बाइबल नहीं पढ़ता, और अगर उसमें से किसी बात की समझ ना आए तो किसी न किसी से जाके पूछता नहीं, वो मसीही नहीं है, वो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है। खुदा का कलाम हमारी रूहानी नश्वनुमा करता है, खुदा का कलाम हमारी रूहानी बलूगत के लिए ज़रूरी है, खुदा का कलाम हमारे हमारी जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो असर है कम्युनिटी में दुनिया में, उसके लिए ज़रूरी है। सो खुदावंद आपकी इस खिदमत को और ज़्यादा बाबरकत बनाए। बड़ी खुशी है कि आप लोग कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने हिब्रू पढ़ी, वेरी गुड। सो आप बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, खुदा करे कि अब आप इसको आगे लेके जाएं। ये जो मिदबार, ये दबार, इस तरह के जो लफ्ज हैं, जब आप इनको इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो खुदा रूह कुछ के वसीले आपको बहुत बहुत गहराई में लेके जाएगा और आपके वसीले से बहुत से लोगों को बरकत देगा। खुदा करे कि ये शौक, ये जज्बा बढ़ता जाए और सब मसीही कहें कि हमने ये जो असल जुबानें हैं इनकी समझ हासिल करना है, हमने इनको पढ़ना है, इनको सीखना है, ताकि हम खुदा के कलाम को और गहरे तौर से जान सकें और वो हमारी जिंदगियों को बदल सके। खुदा उनका कलाम आप सबको अपनी लपेट में ले। इफ देयर एवर वॉज अ डे व्हेन क्रिश्चियंस नीड टू बी इन बाइबल, इट इज टुडे। हमें खुदा के कलाम में नजर आना चाहिए। जीतते रहें, खुदा आपको बरकत दे। एक बार फिर हम खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हजूर में अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मैं दावा दूंगा डॉक्टर सलीम यूनुस साहब से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और इसके बाद वो हमें हिब्रू लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर अपना जो ख्यालात हैं वो पेश करेंगे। मोहतरम जनाब इज़्ज़तमा डॉक्टर सलीम यूनुस साहब। खुदावंद मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बाबरकत मौके के लिए कि हम एक खूबसूरत तकरीब में शामिल हैं। मैं डॉक्टर मजीद एवल साहब, पादरी टोनी विलियम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके के लिए।
چونکہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے کہا گیا ہے عبرانی زبان کی اہمیت پہ بات کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں نے عبرانی بائبلز دیکھی ہیں، کاپیز دیکھی ہیں ان کی، مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے میرا ایک پادری دوست، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ میرے پاس آیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میدان جنگ سے یہ بھاگ کے آیا ہے۔ تو دروازہ نوک کیا تو میں نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ تو ہمپرا ہے، بڑی مشکل میں لگ رہا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ پادری صاحب بس مجھے عبرانی بائبل دے دے اگر آپ کے پاس آیا تو۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے ابھی بعد میں، صرف مجھے عبرانی بائبل دے دیں جلدی جلدی۔ تو میں نے اپنی لائبریری میں سے نکالی اور وہ عبرانی بائبل ان کو میں نے دے دی۔ دوپہر کا واقعہ تھا، تو مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے، کس حال میں، لیکن وہ رات کو دوبارہ میرے پاس لوٹ کے آیا۔ تو اس نے بتایا کہ میں مسجد میں کچھ مسلم دوستوں کے درمیان تھا اور بحث صرف ایک ہی نقطے پر تھی، ایک ہی بات پر تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ ہمیں صرف عبرانی بائبل دکھا دیں تو ہم مان جائیں کہ عبرانی زبان ایگزسٹ کرتی ہے۔ کہتا بس اتنا ایشو تھا کہ جتنے وہاں پہ مسلم دوست علماء تھے وہ کہتے ہیں جی ہم تو عبرانی، ہم تو عربی میں اپنا کلام الہی پڑھتے ہیں، آپ کے پاس تو عبرانی بائبل ہے ہی نہیں، سرے سے وہ بولی نہیں جاتی۔ تو کہتا ہے جی آپ کا بہت شکریہ، اس نے ان کی بڑی تسلی کرائی ہے، کم از کم انہوں نے اپنی آنکھوں سے عبرانی بائبل دیکھی ہے۔ تو دیکھ کے میں حیران ہوں کہ یہ کاپیز نہیں ہیں لیکن کلام یہ ابدی ہے، جو ازل سے ازل تک قائم رہنے والا ہے۔ کنسرننگ اٹس امپورٹینس، ہم سب جانتے ہیں کہ اوریجنلی پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے اور اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آرامی زبان میں ہیں۔ تو ہم خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم عبرانی زبان یا آرامی نہیں جانتے، لیکن پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے تراجم ہمارے پاس موجود ہے تاکہ ہم اپنی زبان میں کلام مقدس کو پڑھ سکیں۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی مقامی زبانوں میں پرانے اور نئے عہد نامے کے تراجم کے میسر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ عبرانی یا یونانی کی اہمیت اب ثانوی ہو گئی ہے۔ ان کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، چاہے اس روئے زمین پر بسنے والے ہر قوم قبیلے کی زبان میں عبرانی یا یونانی کا ترجمہ ہو جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پرانا عہد نامہ عبرانی اور نیا عہد نامہ یونانی میں لکھا گیا۔ ہمیں چند ایک چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ عبرانی زبان کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر بطور لٹریچر ہم اس کو لے تو اٹ ہیز اٹس اون گرامیٹیکل اسٹرکچر، اٹ ہیز اٹس اون ایمفسس، اور وہ صرف اور صرف ہم عبرانی میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے جب میں نے ہوسیہ کی کتاب پہ تفسیر لکھنا شروع کی تو میں نے بڑی کوشش کی اور کچھ آیات میں نے ان کو ارینج کیا اکارڈنگ ٹو دا ہیبرو سنٹیکس۔ تو میں نے بڑی کوشش کی اینڈ آئی واز اسٹرگلنگ اے لاٹ ان آرڈر ٹو ارینج دا ورسز اکارڈنگ ٹو مائی کرنل انالیسس۔ اب مشکل کیا تھی میرے لیے، چونکہ عبرانی متن بھی میرے سامنے تھا اور کر میں کام اردو زبان میں کر رہا تھا اکارڈنگ ٹو مائی ہیبرو سنٹیکس، تو
तो जब मैं उर्दू जुबान में लेके आता था तो उनकी तरतीब जो थी वो फर्क हो जाती थी, और जो मीनिंग्स मैं इब्रानी जुबान में देख रहा था, जो एम्फेसिस मैं इब्रानी जुबान में देख रहा था या जिन पे मैं जोर देना चाह रहा था, वो उर्दू में बात बन नहीं पा रही थी। इसलिए फिर मैंने फैसला किया आफ्टर माय लॉन्ग स्ट्रगल, तो मैंने कहा कि मुझे बेहतर यही है मेरे लिए कि मैं उर्दू में आयत लिखूं और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूं। डेफिनेटली मैं फिर इब्रानी मतन पर गुफ्तगू कर सकता हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उर्दू जुबान में हमारे लिए बाइबल मुकद्दस का तर्जमा मौजूद है, हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी भी ओरिजिनल जुबान से किसी दूसरी जुबान में तर्जमा करते हैं तो बेशुमार रकावटें हायल होती हैं, और यही उर्दू जुबान में पुराना अहदनामा पढ़ते हुए है। अगर हम जानना चाहते हैं कि मुसन्निफ ने इब्रानी मतन या किसी भी किताब का मतन या कोई खास पैराग्राफ जिस पे हम प्रीच करते हैं या बाइबल स्टडी लेते हैं, हमें एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि कदीम अंबिया जब कलाम करते थे तो वो खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाते थे, यानी बनी इसराइल की शिमाली या जनूबी सल्तनत के लोगों तक। लैंग्वेज जो थी दैट वॉज सर्विंग एज अ मीडियम इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कम्युनिकेट द मैसेज दे रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। इसी तरह से फिर हम कहते हैं कि वो जब तहरीरी सूरत में हमारे हाथों में आया, द ऑथर्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट फॉलोड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द हिब्रू लैंग्वेज, नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज। चूंकि इब्रानी जुबान में उन्होंने इसको लिखा, देयरफॉर डेफिनेटली दे फॉलोड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ हिब्रू लैंग्वेज बिकॉज इट हैज इट्स ओन यूनिक स्ट्रक्चर। इसीलिए आयत के मुख्तलिफ हिस्सों को अगर हम इब्रानी मतन में देखें तो जब कभी वो वर्ब पर जोर देते थे तो वर्ब को उस आयत में किसी खास जगह पे वो रखते थे। यूजली इब्रानी वर्ब जुमला जो है वो वर्ब से शुरू होता है, बट समटाइम्स इन ऑर्डर टू ले एम्फसिस ऑन द वर्ब they changed its position, sometimes in order to emphasize on the noun। वो आयत के शुरू में उसको रखते थे, हम इसे फ्रंटिंग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। सो इसका हमें पता सिर्फ उसी वक्त चलता है जब हम असली इब्रानी मतन पढ़ते हैं, क्योंकि जब इब्रानी मतन को आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो आप उर्दू तरतीब के मुताबिक जुमले को तरतीब देते हैं जो इब्रानी तरतीब को फॉलो नहीं करता है। इफ दिस इज सो, उर्दू में हम ले तो आते हैं लेकिन जो इब्रानी जुबान में उस जुमले की कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द हिब्रू सिंटेक्स, हम डेफिनेटली उसकी बरकत या उसकी अहमियत से महरूम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि मुसन्निफ जब हमसे कम्युनिकेट करता है तो वो उस मतन में मुख्तलिफ जगहों पे ग्रामर के हिसाब से जोर देता है, ताकि हम अगर वर्ब पे वो जोर देने की कोशिश कर रहा है तो हमें वर्ब की अहमियत को समझना पड़ेगा। अगर वो वर्ब के सब्जेक्ट पे जोर देने की कोशिश करता है तो फिर हम सब्जेक्ट की अहमियत को समझना पड़ेगा। इब्रानी बाइबल में बाज़ुकात इतना जोर वर्ब पे नहीं दिया गया जितना सब्जेक्ट बतौर खुदा पे दिया गया है कि इस वर्ब या काम के करने वाला कौन है,
और वो को इंसान नहीं बल्कि जिंदा खुदा है। इसलिए जोर काम की बजाय काम करने वाले पर दिया गया है जो जिंदा खुदा है। लेकिन बड़ी दफा मुसनफीन ने जो कुछ खुदा करता है कुदरत के कमालात इंसानी तारीख में वो दिखाता है तो मुसनफ जोर देता है खुदा के कामों पर। इसलिए जब वो जुमले को तरतीब देता है तो वो अब टेक्निकली उस जुमले को इस तरह से तरतीब देता है ताकि एम्फसिस जो है इट शुड फॉल ऑन द वर्ब और काम जो जिंदा खुदा कर रहा है। तो इस लिहाज से इब्रानी जुबान में मतन को पढ़ना हमारे लिए ऐसे है जैसे हम समंदर में उतरते हैं ताकि हीरे जौहरात जो हैं वो कलाम खुदा की सूरत में उनको हासिल कर सके। इसलिए वी शुड कीप इन माइंड द गैप बिटवीन आवर कल्चर एंड दैट कल्चर। आपको ये भी पता है कि लैंग्वेज जो है इसका कल्चर के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि आप जब अल्फाज का इंतहाब करते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से करते हैं। हम एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं शेयर नॉलेज। शेयर नॉलेज का मतलब है, दिस इज अ टेक्निकल टर्म इन लिंग्विस्टिक, शेयर नॉलेज मीन्स कि जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं यू हैव ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। इसलिए मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल यही था जब अंबिया कलाम करते थे बनी इसराइल से, दे न्यू द टोन एंड रिदम ऑफ प्रोफेटिक मैसेज और मैसेज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, वो समझते थे बिकॉज दे शेयर्ड नॉलेज, दे बिलोंग टू द सेम कल्चर, सेम बैकग्राउंड, दे हैड द सेम वर्ल्ड व्यू। देयरफॉर उनके लिए अंबिया का कलाम जब वो इस्तारात या तशबीहात का इस्तेमाल करते थे, दे वेल अंडरस्टूड इवन द लैंग्वेज, इवन द एम्फसिस। लेकिन वी आर लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड, देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द ऑथर वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कल्चर, बैकग्राउंड एंड लैंग्वेज, ताकि हम उनके वर्ल्ड व्यू को सामने रख के, उनकी जुबान के कायदे ज़वाबत को सामने रख के हम पढ़ सके। और मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुदा के कलाम की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो फिर हम इब्रानी जुबान की तरफ तवज्जो दें, हम सीखे। एटलीस्ट वी शुड लर्न टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। बड़ी दफा हम वर्ब को नाउन ही प्रीच करते जाते हैं स्टेज से और नाउन को वर्ब, ये हमारी प्रीचिंग को बड़ी बामानी बना सकती है। मैं जो रबीनिक थॉट्स हैं इब्रानी के बाइबल में या दूसरी चीजों को मैं अवॉइड कर रहा हूं, अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग इन रबीनिक लिटरेचर के तर्जमे को असली जुबान की बजाय पढ़ना ऐसे ही है जैसे अपनी महबूबा को चूमना, और किसके साथ, रीतवेल के साथ, या अपने और उनके दरमियान कोई रुकावट रख के करना। तो मैं कहता हूं कि अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ना चाहते हैं इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज, तो मैं आज बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा सा इब्रानी मतन का पता चल जाए तो आप इसकी मोहब्बत में उम्र भर के लिए गिरफ्तार हो जाएंगे, आई गारंटी। क्योंकि मुझे पता है
इसकी अहमियत क्या है। इसलिए मैं जब कभी कन्वेंशंस में जाता हूँ, लोग महीने पढ़ते रहे, आई जस्ट गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू ऑब्जर्व द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द ऑथर, आई ट्राई टू ऑब्जर्व द ग्रामेटिकल एम्फसिस इन सर्टन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। That's all I do to preach at conferences or at conventions. तो मेरी दुआ है कि ये सिलसिला जो पादरी टोनी विलियम साहब ने शुरू किया है, बहुत से लोगों को इब्रानी की मोहब्बत में उम्र भर के लिए गिरफ्तार कर लें और आप जुनून की हद तक इससे प्यार करना शुरू कर दें, ताकि हम इसे असली जुबान में पढ़ सकें। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे, आमीन। अच्छा जी, अब मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरम जनाब इज़्ज़त महब आमिर यूनुस साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार इस प्रोग्राम के बारे में और अब्रानी और यूनानी जबान के बारे में हम तक पहुँचाए। मोहतरम जनाब इज़्ज़त महब आमिर यूनुस साहब। बहुत शुक्रिया। 1991 में मैं लाहौर में आया गुजरांवाला से, और उसी साल MIK में एक नौजवान आया करता था और आके मुझे मिलता था। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि यहाँ उसकी तबीयत का एक आदमी मौजूद है। मैंने देखा कि खुदा ने उसे बड़ा जज्बा दिया, ज़ौक दिया, बिलखसूस तहकीक करने का, खुदा के वेदों को जानने का, और ख़ास तौर पर वो मुआद पढ़ने का जो गैर मसीही लोगों ने जब मसीह पर ईमान लाए तो वो किताबें लिखी, उनकी किताबें पढ़ने का। और ये हमारी रफाकत, ये कुर्बत बढ़ती गई। उस वक्त वो नौजवान उर्दू बाज़ार में कंपोजिंग का काम करता था, और बाद में कुछ साल OTS में भी काम किया। उसका ये शौक बढ़ता गया बढ़ता गया, और खुदा ने ना सिर्फ चंद एक नेमतें बल्कि और ज़्यादा नेमतें उसे देना शुरू कर दी। और मैं हैरान हूँ कि उसने ना सिर्फ उन नेमतों को ज़खीरा करके अपने पास रखा बल्कि उनको मुनासिब इस्तेमाल भी किया, और खुदा ने मज़ीद नेमतों से बरकात से नवाजा। और पाकिस्तान में आज उसी नौजवान को खुदा बहुत सारे लोगों की तरक्की के लिए, अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है और कर रहा है। लाहौर में मैंने इस जैसा तहकीक करने वाला बंदा अभी तक नहीं देखा। 30 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया लाहौर में काम करते हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई प्रोफेसर टोनी विलियम के लिए, जिनको खुदा ने बहुत सारी बरकात से नवाजा। वो एक ही वक्त में प्रीचर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, अपोलोजिस्ट भी हैं, तर्जमाकार भी हैं, राइटर भी हैं, टीचर भी हैं, और पता नहीं क्या क्या खूबियाँ खुदा ने उस बंदे पर रखी हैं, और एक से बढ़कर एक नेमत को उस बंदे ने पॉलिश किया और खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि उन्होंने ये एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। दोनों असातिज़ा को जो इब्रानी के हैं यूनानी के हैं, मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद, और मुझे पूरा एहसास है कि आप बड़ी देर से बैठे हैं, थके भी होंगे और उकताए भी होंगे, और कई लोगों को मेरी तरह बुरी आदत होती है कि वक्त पे पहुंच जाते हैं, और मुझे नहीं पता आप में से कई ऐसे होंगे जो 5 बजे के आए हुए होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा वक्त लूँ। आपका बहुत शुक्रिया, और दोनों असातिज़ा को बहुत मुबारकबाद, और स्टूडेंट्स के लिए एक नसीहत है कि जो कुछ आपने सीखा वो सिर्फ एक आगाज़ है, इसके बाद आगे इल्म की हदें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है
कि जो जो आगे बढ़ता हो मुझे अपनी कामयाबी का एहसास होता है, अभी बहुत कुछ है सीखने वाला, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। जब आपको ये बाइबल मिलेगी, यूनानी बाइबल इब्रानी, इसके बाद बहुत काम करने वाला है और वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग तो अपने वक्त पे चले जाएंगे, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस काम को, इस खिदमत को मज़ीद आगे बढ़ाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम एक दफ़ा फिर खुदावंद की तारीफ करें और खुदावंद की प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई तहलीम विलियम करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में सच्चा मेरा यीशु नासरी, वादे आंदा सच्चा मेरा यीशु नासरी, सुना दा शहजादा मेरा यीशु नासरी, सुना दा शहजादा मेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु शहजादा मेरा यीशु नासरी, सुनादा शहजादा मेरा यीशु नासरी, शहजादा मेरा यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, वादे आंदा सच्चा मेरा यीशु नासरी, सुनादा शहजादा मेरा यीशु नासरी, सुनादा शहजादा तहे दिल से खुदावंद का शुक्र गुज़ार हूँ जिसने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर जमा हो सकें। हमारे मेहमान जो हैं वो बहुत कीमती शख्सियात हैं, पादरी डॉक्टर सलीम यूनुस साहब,
पाकिस्तान में बिब्लिकल टॉपिक पे, या जिसे अगर आप सादा जुबान में कहें तो बाइबल में अगर किसी के पास पीएचडी है ना तो वो ये आप। और सर प्लीज आप अगर खड़े हो सकें, जोरदार तालियां। हमारे जितने भी मेहमान हैं वो बड़े हलीम लोग हैं, वो लगते नहीं हैं जो वो हैं। इनकी खिदमत जो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में है, जो फ़र्क फ़र्क और इंस्टीट्यूशंस में जाके वो पढ़ाते हैं, इब्रानी की खिदमत, अहद अतीक पे इनकी किताबें छप चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत आला काम है जो इन्होंने किया है। इसके बाद दूसरी शख्सियत जो है आमिर यूनुस साहब, 93 से हमारी दोस्ती है और मेरे लिए ये बड़े भाई की तरह हैं, दोस्त की तरह हैं। और जब ज़ियाई साहब होते थे तो अक्सर उर्दू पे डिस्कशन उनके साथ होती थी, लेकिन जब वो हमारे दरमियान नहीं है तो ज़्यादा डिस्कशन जो होती है आमिर यूनुस साहब के साथ होती है। ये MIK में चीफ ट्रांसलेटर हैं, उर्दू ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान और दीगर ज़ुबानों के बहुत बड़े माहिर हैं। ठीक है, तो अगर आप भी प्लीज़ खड़े हो जाएं, हम इनके लिए भी तालियां बजा सकें। ये अच्छी बात है, तालियां बजाएं तो सही तरह बजाएं। एक और शख्सियत मिस फ्रीडा कैरी, मिस फ्रीडा कैरी वुड यू प्लीज स्टैंड अप। ये हमारे बच्चों की ऑफिशियल फुफोजी। मिस फ्रीडा कैरी का पाकिस्तान की मसीहियत के ऊपर जितनी ग्रिप है ना, ये जब बात करती हैं चर्च हिस्ट्री की तो इनको मोहल्लों के नाम याद हैं कि कौन से मोहल्ले में क्या हुआ था। तो जब हम कभी इनके साथ OTS में होते थे और ये पढ़ाती थी और हम भी इनसे सीखते थे, तो इट वॉज अमेजिंग कि कितनी ग्रिप है। और इन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो कलीसिया पाकिस्तान की खिदमत के लिए गुजार दी। डॉक्टर कमल फरोज साहब, अभी मजीद साहब हैं नहीं, उनके लिए जब आएंगे फिर बात करेंगे। डॉक्टर कमल फरोज साहब प्लीज अगर आप खड़े हो जाएं, तो बहुत बड़ा नाम। आज इन्होंने आज हमारी कौम का ये मसला ही है, या शुरू नहीं होती या रुकती नहीं है। आज डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी किताब दिखाई जो डॉक्टर साहब के ऊपर किसी ने लिखी है। हम तो पढ़ते नहीं हैं, यहाँ खुदा ने हमें ऐसे सपूत दिए हैं जिनके ऊपर किताबें लोगों ने लिखी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा खुदा का बंदा है जो आज हमारे दरमियान है। इनके साथ हमारे एक और मेहमान हैं जिनको प्लीज़ सर आप तशरीफ़ रखें, इनके लिए तालियां दोबारा बजा दें। सही है। इनके साथ एक और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ज़िक्रिया कमर साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी ज़ुबान के, यूनानी ज़ुबान के उस्ताद हैं और बहुत मेहनत इन्होंने की और बहुत ज़्यादा किताबें मैंने देखी इनको पढ़ते हुए, सीखते हुए, लर्न करते हुए। MPhil हैं, LLB कर चुके हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं। मैं देख के कभी कभी इनको हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं अपनी हिम्मत हार चुका हूँ, 17 साल पहले इनकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी। तो बहुत बड़ी शख्सियत है। यूनानी में हमारे पास ये अथॉरिटी हैं पाकिस्तानी स्कॉलर होते हुए, ज़ोरदार काम। सन 2009 में पंजाब यूनिवर्सिटी में हिब्रू लैंग्वेज का आगाज़ हुआ और मुझे चुना गया कि मैं वहाँ जाकर पढ़ाऊँ, और तब से अब तक हम इसको पढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सन 1995 में मैंने पहली दफ़ा इब्रानी ज़ुबान को देखा था और मैंने सोचा कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो उस टाइम मुझे कोई उस्ताद ही नहीं था मिला, तो हमने बड़ा ढूंढा बड़ा ढूंढा, किताब मिल गई जो OTS ने छापी थी, उस्ताद कोई नहीं था। तो
बहुत साल तलाश करने के बाद सन 2003 में हमें उस्ताद मिला डॉक्टर एडी लांस, जिसने इब्रानी ज़ुबान हमें पढ़ाई गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में, और वहाँ से हमने इब्रानी ज़ुबान सीखी। लेकिन आज खुदावन का शुक्र हो कि हमने जब 2006 में शुरू किया तो सिर्फ दो नाम थे जो पाकिस्तान में, या तीन नाम थे पाकिस्तान में जो इब्रानी ज़ुबान पढ़ा रहे थे। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि बहुत से अदारे हैं जिनमें बहुत से उस्ताद हैं जो इन ज़ुबानों की खिदमत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट आई जो कि मुस्लिम है, वो एमफिल कर रही है। उसने कहा कोई तो ऐसी दुआ होगी जो मसीही जो हैं वो असल ज़ुबानों में पढ़ते होंगे। तो मैंने कहा जी मैं आपको दुआएं तो 10 लिखवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी दुआ कोई है नहीं जो सारे मसीही पढ़ते हों। तो उसने कहा किसी ना किसी का तो जिक्र कर दें। तो मैंने कहा मैं तो आपको 10-20 लिखवा सकता हूँ, लेकिन हमारे मसीही इब्रानी में या यूनानी में कोई दुआ पढ़ते नहीं। और आप जानते हैं कि इसमें मुबालगा या झूठ वाली कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इब्रानी ज़ुबान को सीखने का शौक, यूनानी ज़ुबान को सीखने का जो शौक है, ये बहुत अहम है और कीमती है। हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में हर चौथा इंसान जो है वो आपको अपनी मजहबी किताब को उसकी असल ज़ुबान में पढ़ के सुना सकता है, तर्जमा कर सकता है या नहीं कर सकता इसके ऊपर बात ही ना करें, लेकिन पढ़ के सुना सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग तलाश करना बहुत मुश्किल है। जब अभी बेटी सुमैरा यहाँ पर खुदावन के कलाम की तलावत कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग सिचुएशन थी कि हमारे पुलपट पे से इब्रानी और यूनानी को पढ़ने वाले कुछ ऐसे बेटे और बेटियाँ अब मौजूद हैं कि अगर कोई आज कहता है कि इब्रानी ज़ुबान मुर्दा ज़ुबान हो गई, जो एक आम सा इतराज़ है इब्रानी और यूनानी ज़ुबान पर जो हमारे माशरे में किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाज एक इस बात का सबूत है कि हमारे अपने बच्चे हैं जो इसको पढ़ सकते हैं और इसको पढ़कर बता सकते हैं कि ये लिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कोशिश है, ये काविश है जो हमने शुरू की। यहाँ मैं फादर मैनुअल आसी साहब का जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने पहली दफ़ा मुझे इन्वाइट किया इब्रानी ज़ुबान पढ़ाने के लिए। मैं 2005 में ग्रेजुएट हुआ था, 2006 में पहली दफ़ा मैं उनके एक प्रोग्राम पर इब्रानी पढ़ाने के लिए गया था, और उसके बाद फिर लगातार मौके मिलते रहे, मैं पढ़ाता रहा, और ये 17 साल का सफ़र है जो तय करके आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ आपने सीखा है, उसको बड़ी ईमानदारी और वफादारी से किसी न किसी के हवाले ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग कई मरतबा बड़ी कीमती चीज़ें अपने साथ लिए मनोमट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। तो इल्म जो होता है वो यहाँ रहने के लिए नहीं होता, इल्म बांटने के लिए होता है। एक बड़ा ख़तरनाक सा जुमला है जो मैं यहाँ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, खड़ा हुआ पानी, खड़ा हुआ इल्म, ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ इल्म और ठहरा हुआ इंसान अंदर से गल सड़ जाते हैं। तो ज़रूरत होती है कि बंदा बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे और इल्म को भी फैलाता रहे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हमारे तालिब इल्म रह चुके हैं या तालिब इल्म नहीं हैं, जो तालिब इल्मों के साथ आए हैं, तो वो हमारे मेहमान हैं। तो हम आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। हमारे एक मरकज़ी जो मेहमान थे उनका जिक्र किए बगैर ये मेरा जो हिस्सा ख़त्म नहीं होगा। पादरी डॉक्टर मजीद एबल साहब, सर आप अगर प्लीज़ खड़े हो जाएं। मुझे जब भी इस चर्च की ज़रूरत पड़ी है, चर्च ने हमेशा हमारा साथ दिया, कभी सेमिनार के सिलसिले में, कभी किसी और प्रोग्राम के सिलसिले में। मजीद साहब बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, GTS में पढ़ाते हैं, बाहर जाके पढ़ाते हैं, और खुदा ने इन्हें बड़ा तोड़ा दिया है कि ये लोगों को साथ लेके चलना जानते हैं। और हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च के सबसे बड़े ऑफिसर थे, अब ये जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन प्रेस्बिटेरियन चर्च की रूहें रवा हैं। हम इनके लिए खुदावन के शुक्रगुजार हैं। इधर फिर तालियां बजाएं। दस में बाजी फ्रीडा कैरी ने इंग्लैंड से आते हुए मुझसे सवाल पूछा
कि मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ। तो मैंने इन्हें कहा कि हमारे यहाँ हिब्रू बाइबल्स नहीं हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं वहाँ से ला सकती हूँ। तो इन्होंने अपना सारा जो सामान था वो वहाँ छोड़ा और हिब्रू बाइबल्स वहाँ से लेके आई। तब यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। ये जो रवायत है ये वहाँ से चली है और फिर हम लोगों ने सोचा कि इस रवायत को कायम रखना चाहिए। तो खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमें वसायल बख्शे जिससे इन सब का आपके लिए इंतज़ाम हो सका। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा और दावत दूंगा आशर साहब को कि वो आएँ और बाकी के हिस्से में हमारी रहनुमाई करें। तालियां बजाएं जी, भरपूर तरीके से बजाएं, भरपूर तरीके से। शुक्रिया जी, शुक्रिया। देखिए जी, आप सब लोग खुदा के खादम हैं और खुदा के खादम तो वैसे ही हैले लिया से और तालियों से वैसे ही बड़े खुश होते हैं। यही तो उनकी रोजी रोटी है। क्यों सर, मैंने ठीक बोला? हाले लुया नहीं, मज़ा नहीं आया फिर से। हाले लुया, खुदावन की तारीफ हो। अब जी हम उस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम डिप्लोमास और हिब्रूज बाइबल जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मेरी दरख्वास्त है सर टोनी विलियम्स से और मिसेस टोनी विलियम्स से कि वो सामने आ जाएं और इसके साथ साथ हमारे जो गेस्ट हैं हम उनको साथ साथ बुलाते जाएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मदद करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा सुमैरा अंजम से कि वो अपने टेबल के पास आ जाएँ और मिस अरूज से कि वो डिप्लोमा लेकर सामने आ जाएँ ताकि हम अपने सेशन को कम्प्लीट करें। और मेरी दरख्वास्त है मजीद अबल साहब से कि सर प्लीज़ आप भी सामने आ जाएँ। और मेरे पास यहाँ पर लिस्ट मौजूद है, मैं आपके नाम यहाँ से अनाउंस करूँगा और आप अपना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और जो बाइबल है वो लेने के लिए सामने आएंगे। सबसे पहले हैं जी फ्रूक गिल साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में। इसका डिप्लोमा करके फारिग हुए हैं।
दरख्वास्त करूँगा स्टीव तबस्सुम साहब के कि वो इस सारे प्रोग्राम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे और एंड में डॉक्टर मजीद अहमद साहब हमें कलमात बरकात के साथ रुख्सत करेंगे। भाई हम दुआ मांगे। मसीह यसु में हमारे जिंदा कदूस पाक खुदा शुक्रगुजार हैं आज की सारी सेरेमनी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तमाम कामयाब तलबा तलबात के लिए और खुदा बिलखसूस हम इस अदारे के लिए प्रोफेसर टोनी विलियम साहब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए और उनकी सारी टीम के लिए खुदा बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा पा खुदा इब्रानी ज़बान को फैलाने में, समझने में और खुदा उन असल मतन तक पहुंचने में हमारी रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुदा उन तूने इस ज़बान को एक बार फिर अपने लोगों के वसीला से ये मौका फ्राहम किया है कि ये ज़बान इब्रानी ज़बान फैले और खुदा उन तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। इस सारी खुदा सरमनी और इसके तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए खुदा बाप तेरी बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदा अब ये सरमनी जब क्लोज हो रही है, आइंदा आने वाले तलबा तलबात के लिए भी खुदा तेरे जुल बरकत चाहते हैं ताकि जब नए स्टूडेंट आते हैं तो उन स्टूडेंट्स के अंदर भी खुदा तेरे कादर नाम के वसीला से ऐसी आए खुदा पा खुदा कुव्वत ईमान की आए खुदा फजीलत और खुदा बड़ी हिकमत के साथ इससे उनको हासिल कर सकें। आए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि जब यहाँ से रुखसत हों तो खुदा पा खुदा जिस तरह आज हम बड़े खुश हैं इसी तरह से खुदा फिर तेरी इस खुशी और शादमानी को हम रिसीव करते रहें। मसीह खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में आप सबको सलाम और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप इस प्रोग्राम को आकर चार चांद लगाए, स्पेशली सर मजीद एवल के लिए, सर सलीम यूनस के लिए और भाई जकरिया, भाई आमिर।